अरब ममालिक के शाही खानदानों की तलूर का शिकार करने के लिए पाकिस्तान आमद के बाद जहां तहफ़ुज़ जंगली हयात के हामी बैन अल-क़वामी सतह पर महफूज करार दिए जाने वाले इस परिंदे के शिकार की मुखालफत कर रहे हैं, वहीं मुकामी रहायशों का कहना है कि तलूर का शिकार इनके इलाके में न सिर्फ तरक्की का बाइस बना है बल्कि इनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में भी कारामद साबित हुआ है। याद रहे कि पाकिस्तानी शहरियों को तलूर के शिकार की इजाज़त नहीं है और सिर्फ अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शाही ख़ानदानों को ही सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसके शिकार के लिए खसूसी इजाज़तनामे जारी किए जाते हैं। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि दुनिया में तेज़ी से नापैद होने वाले तलोर का गोश्त मर्दाना क़ुव्वत-ए-बाह में इजाफे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और शायद इसीलिए अरब शुयूख इसको शौक से खाते हैं। हाल ही में वफाकी हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान और शाही ख़ानदान के दीगर अफराद को साल 2020-21 के शिकार के सीज़न में तलोर का शिकार करने के लिए 7 खसूसी इजाज़तनामे जारी किए हैं। ज़राए का कहना है कि दीगर मुमकिन शिकारियों में UAE के वली अहद और मुसल्ला फोर्सेज के डेप्टी सुप्रीम कमांडर, सदर के रिश्तेदार, मुशीर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन और दीगर अफराद भी शामिल हैं। वाज़ह रहे कि वस्ती एशिया खित्ते में रहने वाले तलोर हर साल सर्दियों में अपने आबाई इलाकों में सख्त मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं और मौसम सरमा के बाद वो अपने खित्ते में वापस चले जाते हैं। इस दौरान अरब शिकारियों के पाकिस्तान पहुँच कर तलोर के शिकार करने के बायस दुनिया में इस नायाब परिंदे की तादाद में वाज़ह कमी आई है, जिसे न सिर्फ आलमी तहफ़ुज़ के मुख्तलिफ कन्वेंशन के तहत तहफ़ुज़ हासिल है बल्कि मुकामी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कवानीन के तहत इसके शिकार पर पाबंदी आयद है। अरब ममालिक से आने वाली अहम शख्सियात हर साल फरवरी और मार्च के दौरान पाकिस्तान के सहराओं में तलोर आज़ाद करती हैं। वो शिकार के लिए आते वक्त शिकारी परिंदे यानी बाज साथ लाते हैं। इसके अलावा अरब मेहमान अपने साथ जिंदा तलोर भी लेकर आते हैं, जिन्हें अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन छोड़े गए परिंदों की तादाद शिकार होने वाले परिंदों से बहुत ज़्यादा होती है। तलोर का शिकार करने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा इजाज़तनामों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर समेत दीगर आला हुकाम को पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शिकार के लिए इजाज़त दी गई है। इन्हें जो इलाके दिए गए हैं इनमें रहीम यार खान, राजनपुर और चकवाल के ज़िला, सक्कर घोट की नवाबशाह, सांगड़ के ज़िला और पंजगूर, जोब्स, खारान, वाशक, गवादर और सिब्बी ज़िला की लहरी तहसील शामिल है। मजीद बरा सदर के नुमाइंदे को मगरबी हिस्से जबकि शाही खानदान के रुकन शेख हमदान बिन जैद अल नाहयान को खैरपुर नाथनशाह, ज़िला दादू में जूही तहसील और यूनियन काउंसिल फरीदाबाद, ज़िला लाड़काना में गैबी डेरो तहसील, खैरपुर और दीगर इलाके अलाट किए गए हैं। याद रहे कि जनवरी के अवाल में मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान के 11 अफराद तलोर के शिकार के लिए मकरान डिवीजन के इलाके पंजगूर पहुंचे थे। इससे कबल दिसंबर के महीने में वफाकी हुकूमत ने बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा और उनके खानदान के दीगर 5 अफराद को बैन अल-क़वामी सतह पर महफूज नायाब परिंदे तलोर के शिकार के खसूसी इजाज़तनामे जारी किए थे। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुक्मरान खानदान के दीगर 2 अफराद को साल 2020-21 के शिकार सीज़न में तलोर के शिकार का इजाज़तनामा जारी किया था। दूसरी तरफ फितरत के तहफ़ुज़ के आलमी इदारे हुबारा फाउंडेशन पाकिस्तान ने कमयाब तलोर को खतरात से 2-4 परिंदों की फहरिस्त में शुमार कर रखा है और इसने एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अरब शयूख को इसके शिकार की इजाज़त देने की मुखालफत की है। दूसरी जानिब तलोर के शिकार के लिए मुख्तस इलाकों के गरीब रिहायशों का इसरार है कि अरब शयूख के इनके पसमानदा इलाकों में आने जाने से न सिर्फ इनके हालात ज़िंदगी बेहतर हुए हैं बल्कि इनका मुस्तकिल रोज़गार भी लग गया है। रहीम यार खान के रिहायशी 32 साल अली अहमद का कहना है कि मेरे खानदान में पिछले 3 नस्लों में किसी शख्स ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। हम शदीद सर्दी और गर्मी में मट्टी से बनी झोंपड़ियों में रहते थे, लेकिन अब अरब शयूख की बदौलत हम एक कॉलोनी में रहते हैं। उसका कहना था कि तलोर का शिकार न सिर्फ इलाके की तरक्की का बायस बना है बल्कि इनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में भी कारामद साबित हुआ है। जनूबी पंजाब के दीगर इलाके के रहायशों का भी यही कहना है कि मौसम सरमा में खलीजी ममालिक से तलोर का शिकार करने वालों की हर साल आमद इनके कस्बों के हालात संवारने में मदद देती है। ताहम तहफ़ुज़ जंगली हयात के हामियों का कहना है कि दुनिया भर में तलोरों की तादाद सिर्फ 75,000 से 1,00,000 के लगभग रह गई है। जजीरा नुमा अरब में यह परिंदा पहले ही शयूख के हाथों तकरीबन नापैद हो चुका है, लिहाजा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने हुकूमत पाकिस्तान से सिफारिश की है कि तलोर शिकार के इजाज़तनामों का इजरा बंद कर दिया जाए और इस परिंदे के शिकार पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। आलमी इदारे का कहना है कि महदूद पैमाने पर तलोर के शिकार की इजाज़त सिर्फ परिंदों की तादाद का सालाना सर्वे होने के बाद ही दी जाए। सर्वे में मुतालिका फरीक शामिल हो जो मुल्क में परिंदों की तादाद और इसमें इजाफे के रुझान का तायुन करे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन से शाही खानदान के अफराद पाकिस्तान आकर दिसंबर से फरवरी के दौरान बाज की मदद से तलोर का शिकार करते हैं। याद रहे कि हर शिकारी पार्टी अपना कैंप मुख्तस करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को $1,00,000 अदा करती है, जबकि 10 दिन के शिकार के लिए कारामद परमिट $1,00,000 अदायगी के एवज मुहैया किया जाता है। इस परमिट पर 100 परिंदों का शिकार किया जा सकता है।
शिकारियों के साथ आने वाले हर बाज के लिए $1,000 अदा करना होते हैं। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक शिकारियों की आमद से इन दूर दराज कस्बों की तरक्की में मदद मिली है, जहाँ वो आर्जी तौर पर कायम करते हैं। इन कस्बों में लाखों डॉलर से तालीम और सेहत के मराकज समेत पानी की फराहमी और बुनियादी ढांचे के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। उनका कहना था कि ऐसा मुतहदा अरब अमारात से शयूख की आमद की बदौलत हुआ जो शिकार के लिए आते हैं। इन लोगों ने यहाँ कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कराए हैं और हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है, लिहाजा इनके इलाके में तिलोर के शिकार पर पाबंदी इनके साथ ज्यादती होगी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।